કચ્છ પટેલ સમાજના સંત શ્રી શ્યામજી દાદાના બ્રહ્મલીન થવાથી તેમણે સ્મરણાંજલિ તેમજ ભાવાંજલિના કાર્યક્રમ અરવલ્લીના વડાગામ ખાતે સંત પંથ સનાતન સમાજ દ્વારા યોજવામાં આવ્યો. બ્રહ્મલીન થયેલા શ્યામજી દાદાના સ્મરણાર્થે પરિવારજનો તેમજ સમાજના લોકોએ 5000 જેટલા વૃક્ષોનું વાવેતર તેમજ તેમનું જતન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો, જેની શરૂઆત સાધુ સંતોએ વૃક્ષારોપણ સાથે કરી હતી. કચ્છ પટેલ સમાજના સંત શ્યામજી દાદા દ્વારા સમાજને આગળ લાવવા તેમજ લોકોના સત્યનો માર્ગ બતાવતા સહિતના અનેક કાર્યો કરીને સમાજના લોકોના હૃદયમાં વસ્યા હતા, ત્યારે તેમના બ્રહ્મલીન થવાથી સમાજમાં ઘેરા શોકની લાગણી પ્રસરી છે. आज श्रद्धांजलि सभा में हमारे परम श्रद्धेय श्यामजी दादा के पूरे परिवार ने, हमारे श्री मणि भाई, श्री जयंती भाई परिवार, इन्होंने एक संकल्प किया है कि हम 5100 वृक्ष का संवर्धन करेंगे, वृक्ष लगाएंगे और उनका संवर्धन भी करेंगे. उसकी जिम्मेदारी हमारा परिवार लेगा. तो हमारे भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही एक क्रांतिकारी निर्णय है कि किसी एक श्रद्धांजलि की सभा में अपने वडिल श्री के पुण्य स्मरण में 5100 वृक्ष के संवर्धन का संकल्प लिया जा रहा है. एक नई प्रेरणा है, नई क्रांति है और एक मैं मानता हूँ नए विचारों की शुरुआत है. तो श्यामजी दादा की सभा में आज जो संकल्प किया है 5100 वृक्ष बोने का, जिसकी वजह से मुझे लगता है जब भी श्यामजी दादा की याद आए तो ये जो वृक्ष तैयार होंगे उसका दर्शन करेंगे तो आपको पूरा पूरा श्यामजी दादा का जीवन आपको स्पष्ट दिखाई देगा, जिसमें संस्कार भी होंगे, सतपंथ संप्रदाय भी होगा और अपनी परंपरा भी होगी. मैं मानता हूँ सही मायने में आज उनके सुपुत्रों ने जो श्रद्धांजलि दी है उसमें 5000 वृक्ष बोने का जो संकल्प किया है, मैं मानता हूँ हर एक श्रद्धांजलि ने यही होना चाहिए.